ऐसा कुछ हाल होता है केदारनाथ का ट्रैक चढ़ना और उतरना दोनों पैदल करने के पर मेरी चाल की तक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम ऋषिकेश पहुंच गए थे रात में कुछ 2:30 बजे। हम ऋषिकेश पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद होटल लिया, वहाँ पे सो गए और अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। अभी हम निकले बाहर, मोस्टली तो वो कोई कैफ़े है जो आदर्श ने ढूंढा है, लिटिल बुद्धा करके कोई कैफ़े है लक्ष्मण झूला के पास, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी देखते हैं, पैदल तो नहीं जा सकते पैदल कहीं नहीं जा रहे, चलने के सबके हालचाल बदल गए हैं ये बंदा छोड़ के। ये भी अभी कैमरा चालू है, उसमें ढंग से चल रहा है, तो सबका असली हाल ये है। तो पैदल जाना तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो अभी देखते हैं। यहाँ पे पास में रिक्शा स्टैंड है, या तो रिक्शा से जाएंगे या फिर लास्ट ऑप्शन इज ओला। तो चलिए आज के ब्लॉग में ऋषिकेश घुमाते हैं जितना होता है उतना, क्योंकि हमको रात को फिर हरिद्वार के लिए निकलना है, क्योंकि कल सुबह हरिद्वार से दिल्ली के लिए हमारा ट्रेन है। सारा मेहनत मुशक्कत करने के बाद, घूमने के बाद हमको टैक्सी मिली नहीं, क्योंकि गंगा रिवर के वो साइड जाना है हमको। हम जो कैफ़े जा रहे हैं वो रिवर के वो साइड है, तो कोई भी ऑटो वाला या कैब वाला यहाँ से जाने को मना कर रहा है। ओला वगैरह है बट वो भी दो लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई स्कूटी ले लेते हैं रेंट पर, क्योंकि 2-3 स्पॉट घूमना है। तो हमने अभी 2 स्कूटी लिया है रेंट पर, जो 500 रुपीज़ पर गाड़ी हमको रेंट पर लगी है। अभी 100-200 का पेट्रोल चढ़ेगा, हेलमेट देने वाला है। हाँ, गंगा एडवेंचर करके है, तो अभी वो भैया गए गाड़ी लाने, हेलमेट मिलेंगे फिर अपन थोड़ा। धूप है इसलिए टोपी रखे, इसको कांच नहीं है, तो ये ऐसा कुछ फनी सा लुक है। पेट्रोल पंप जाते पेट्रोल भरते हैं। कैफे आए हैं और इधर का व्यू बहुत ज़्यादा मस्त है। अभी हम लोग कुछ ऑर्डर करने की सोच रहे हैं, टेस्ट कैसा भी हो दिखने में अच्छा होना चाहिए खाना, बाहर जाके हम कुछ भी खा सकते हैं। बाकी कैसे फोटो से भी सो सकता है। हाँ, फोटो नहीं होना चाहिए, फोटो मिस नहीं होना चाहिए, फोटो एकदम अच्छी आनी चाहिए। देखो ऐसा होता है जब 16 किलोमीटर चल के जाओ और चल के उतरो। अरे 22। हाँ वो तो स्कैम है, 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर है वो। केदारनाथ का ट्रैक करने के बाद दूसरे दिन कोई प्लान मत रखना, अगले 2 से 3 दिन पूरा आराम रखो। सो अभी जस्ट हमारा लंच हो गया है और अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग कर लें, और एक आश्रम है परमात निकेतन, वहाँ पर शिव जी की एक बहुत फेमस मूर्ति है गंगा के घाट के पास, सो वो चेकआउट करने जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए परमार्थ निकेतन, यहाँ पर बोर्ड है परमार्थ निकेतन का, और यहाँ पे सामने होगी अभी आरती, ये लोग आरती का प्रिपरेशन चल रहा है। जस्ट इमेजिन हम कार बैठे, यहाँ पर आरती होने वाली है पीछे हमारे सामने। मिशन लगती है ना,
वैसे इसके लिए यहाँ पे आने के लिए कुछ बुकिंग लगती है, गेट के उधर से जो मैंने पहले बताया वहाँ पर अंदर कुछ बुकिंग करना पड़ता है शायद से, लेकिन हमने एक भैया को पूछा, बहुत प्यार से पूछा, उन्होंने हमको वहाँ से अंदर लेके आए और यहाँ पे बिठा दिया। अब यहाँ पर आरती होगी। मेस पड़ा हुआ है, हम सुबह ये सब गीले कपड़े थे तो सुबह ऐसा छोड़ गए थे सूखने के लिए, कपड़े भी सूख गए। अभी हम लोग टैक्सी के लिए देख रहे हैं क्योंकि कल सुबह हमारा ट्रेन है 6:30 बजे जो है हरिद्वार से दिल्ली, तो अभी वही हम देख रहे हैं। अगर हमको अगर लास्ट से लास्ट मतलब लेट नाइट अगर टैक्सी मिलता है 3-4 बजे का तो फिर प्लान है कि यही रुक जाएंगे आगे टैक्सी वाले का फोन आता। सो गाइस वक्त आ गया इस व्लॉग को ख़त्म करने का, टैक्सी भी बुक हो गई, खाना भी खा लिया और अभी टाइम हो गया सोने का क्योंकि सुबह 4 बजे हमको ऋषिकेश से निकलना है और हरिद्वार जाने क्योंकि हरिद्वार से सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। 6:30 बजे कुछ है तो यहाँ से ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा लगता जाने के लिए, तो सेफ सेट 1-1.5 घंटा पहले जा कर रुकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। एक बात मुझे आज लगी कि ऋषिकेश घूमने के लिए एक दिन बिल्कुल क्या नहीं होता है, काफ़ी नहीं है, एक दिन बिल्कुल काफ़ी नहीं है, एटलीस्ट 2 या 3 दिन चाहिए, बट हमारे कुछ बुकिंग्स ही ऐसी हो रखी थी कि हम एक ही दिन दे पाए। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब दिल्ली में ऐसा हमारा प्लान कुछ फिक्स नहीं है कहाँ जाना है कुछ नहीं, बस यहाँ से दिल्ली से घर पर। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। And if you are new to this channel, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके पहले केदारनाथ का व्लॉग आ चुका है, ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डिलिया, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।